आज ये खबरदाता सम्मेलन के मु आपण मानक समस्त स्वागत करतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आज आम आलोचना करवा दीर्घ दुई दशंधि ऊर्ध समय धरी माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक नेतृत्व में ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दबापाई आमे दबी करी आसु पल्ली ठारु दिल्ली पर्यंत ए लड़ई आमे करथिलु भारत बर्षर महामहिम राष्ट्रपति ठारु आरंभ करी नीति आयोग बैठक में मध्य तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता प्रदान करने दीर्घ दिन धरी दाबी करि आसुछन्ति किंतु दुर्भाग्यर कथा एपर्यंत ओडिशार ए न्यायपूर्ण दाबी प्रति केन्द्र सरकार केवल अविचार करिनाहांति ओडिशा र ए जो दाबी प्रति सामान्यतम कर्णपात करिनाहांति आज भारत बर्षर प्रधानमंत्री ओडिशा माटीरे कहिकि जाइछन्ति जे दीर्घ दस वर्ष धरी पर्याप्त अनुदान ओडिशार विकास दिया जाए किंतु मैं ये कही रखा चाहे गला साधारण निर्वाचन रे ओडिशारु एकोशीटी संसदीय क्षेत्र रु कोड़ेटी संसदीय क्षेत्र रु भारतीय जनता पार्टी सांसद माने प्रतिनिधित्व करुछंती किंतु दुर्भाग्यर कथा गला बजेट रे ओडिशार जो मूल दाबी थिला स्वतंत्र राज्यर मान्यता ताकू तो विचार करा गला नहीं किंतु बिहार को 26,000 कोटी एवं आंध्र प्रदेश को 16,000 कोटी जो भली भाव रे स्वतंत्र अनुदान दिया गला ताको आपण माने विचार करंतु ओडिशार दाबी की किभली भाव रे अणदेखा करा जाइछ आमे आशा करथिलु गला साधारण निर्वाचन रे ओडिशा रे जो भली भाव रे जनमत जाइथिला ताको किभली भाव रे अणदेखा करा जाइछ ताको आपण माने विचार करिवे सबुबले गोटे कुहा जाए ओडिशा धनी एवं ओडिशा रे बास करथुवा लोक गरीब तार कारण खोजिबा पाई गला दुई दशंधि ऊर्ध समय धरी नवीन बाबू नेतृत्व रे ओडिशा रे जो विकासमूलक काम करा जाइछि ताकू आपण माने निजे अनुभव करथिबे किंतु क्रमागत भाव रे केन्द्र सरकारंकर केवल अविचार नुह ओडिशा विरोधी षडयंत्र पाई ओडिशा आज जो लक्ष्य जो दाबी हासिल करिया पाई आमे जो लंबा लड़ई लड़ीथिलु आमे भावुथिलु जे चलित साधारण निर्वाचन परे निश्चित भावरे केन्द्र सरकार तांकर आभिमुख्य परिवर्तन करिवे किंतु आभिमुख्य तो केवल परिवर्तन हेला नाही मु गोटे कथा कह रखा चाहे संसदर पटल रे कोइला एवं खनिज संपदर मंत्री कहितले जे 10/5/2012 मसीह रे कोइलार रॉयलिटी रिविजन होता एवं ता परवर्ती 14 वर्ष धरी आउ रिविजन होना जहाँ फल राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आम 10,000 कोटी टंका रॉयलिटी हरौचे मुझे स्पष्ट भाव में कही रखा चाहे पूर्वांचल आमर जो माननीय मुख्यमंत्री मानकर जो कमिटी रही से पूर्वांचल कमिटी बैठक रे एवं भारत बर्षर प्रधानमंत्री को
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक बारंबार कही जे कोयला रॉयल्टी रिविजन करा जाऊ एवं 14% रु 20% को अभिवृद्धि करा जाऊ ए कोयला रिविजन को।